हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। बसई रोड से चढ़े हैं अभी गुड़गांव बसई रोड से, और जयपुर दिल्ली हाईवे नेशनल हाईवे 8 की तरफ जा रहे हैं, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, सोना की तरफ जा रहे हैं। तो ब्लॉग को पूरा देखिए, मिस ना करें कि हम कहाँ जाके निकलते हैं, ये रोड कहाँ जाके निकलेगा। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग पूरा देखिए। तो अभी चल दिए हम बसई रोड से चढ़ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और ब्लॉग को देखते रहिए। देख लीजिए कितना बड़ा रोड है, बहुत बड़ा रोड है दोस्तों, 16 लाइन वाला रोड है, और छोटी बड़ी गाड़ियाँ सभी गाड़ियाँ जा रही है इस पर। ये देखिए ऑटो टेम्पो सभी जा रहे हैं, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू हो चुका है। ये देख लीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे, कितना अच्छा व्यू है, कितनी अच्छी लोकेशन, और काफ़ी लंबा रोड है। देखिए टेम्पो बस सब जा रही है, गाड़ियाँ बाइक भी जा रही है। अभी कोई पुलिस वुलिस का झंझट नहीं है, ना ही कोई टोल का झंझट है, टोल फ्री है अभी, क्योंकि रोड पर छोटा मोटा काम बचा है वो चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूज करो, चालू है रोड, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार दिखा रहे हैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे, और वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी वाले निशान को दबा लीजिए, जो भी हम वीडियो डालें वो आपको देखने को मिले, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको आपको। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ड्राइवर भाइयों के पास कि भाई हो द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, दिल्ली में जाम में पूछने की जरूरत नहीं है, गुड़गांव में जाम में पूछने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए आराम से द्वारका एक्सप्रेसवे है, इतना बड़ा रोड है, और इस पे आपको बड़े बड़े फ्लाईओवर देखने को मिलेंगे, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, और पेट्रोल पम्प भी खुल चुके हैं, होटलें भी खुल चुकी हैं, फ्लैट वगैरह बनने स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी फ्लैट बन गए हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, सारा काम प्रोग्रेस पे है। देख लीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे, और देख लीजिए लाइव रोड दिखा रहे हैं, जयपुर सिविल लाइन्स सोना रोड चालू है दोस्तों, 16 लाइन वाला रोड है, काफ़ी बड़ा रोड है, पूरी तरह से चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूज करो, लंबे लंबे जामों में फंसो मत, इसको यूज करके अपने कहाँ जाना है टाइम से पहुँचो, और अपना डीजल सीएनजी खत्म मत करो बिना मतलब, पैसे भी बचेंगे टाइम भी बचेगा, दोनों काम है इसमें दोस्तों, पैसे भी बचेगा टाइम भी बचेगा, और बिल्कुल खुला रोड है, टाइम नहीं लगता जाने में। और ये देखिए लोहे का पुल बना रखा है, क्रॉसिंग के लिए बाइक वगैरह कदल आती है, और होटलें वगैरह सब बनना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से आप फ्लाईओवर के ऊपर से भी जा सकते हो, फ्लाईओवर के नीचे से भी जा सकते हो, इनको पटौदी जाना है, वो फ्लाई जो सामने फ्लाईओवर आ रहा है वहाँ से लेफ्ट साइड में ले लीजिए, और जिसको मानेसर तरफ जयपुर दिल्ली हाईवे की तरफ जाना है वो सीधा उसी तरफ ले लीजिए फ्लाईओवर के ऊपर से। ये देख लीजिए फ्लाईओवर के ऊपर से ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको नेशनल हाईवे 8 पे जाना है जयपुर दिल्ली वाले हाईवे पे, और ये नीचे पटौदी साइड जा रहा है, अभी फ्लाईओवर के ऊपर ले लेते हैं, आगे ये जो रोड जा रहा है नीचे से ये आगे जाके मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से पटौदी का कट है, पटौदी चौक है, और ये कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे फ्लाईओवर हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छी लोकेशन, बिल्कुल खुला रोड, कोई टेंशन नहीं। देख लीजिए IMT मानेसर सेक्टर 84 बाढ़ में जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सभी जगह है, काफ़ी दे रखा है। आगे जाके वो देख लीजिए रोड आ गया, आगे ये नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से आया है रोड, और ये जाके मिल गया है यहाँ पे, इधर आके तो यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे से भी रोड है, फ्लाईओवर के ऊपर से भी रोड है। ये देख लीजिए बोर्ड IMT
राइट साइड में जाएगा और लेफ्ट साइड में चले जाएगा राजीव चौक की तरफ और सीधा चला जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जयपुर की तरफ सोना फरीदाबाद सब बताएंगे आपको। ब्लॉग को देखिए पूरा आने वाला है, देखिए कितने बड़े बड़े फ्लाई ओवर हैं और सामने देखिए फ्लाई ओवर के ऊपर फ्लाई ओवर। तो काफ़ी वीडियो डाल दिए हैं दोस्तों मैंने द्वारका एक्सप्रेस वे पे, लाइव भी वीडियो डाले हैं और वैसे बना के भी डाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हो आराम से, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं। देख लीजिए बाकी चालू है, छोटा मोटा काम है, ये लाइट वगैरह रिफ्लेक्टर जो भी लगाते हैं रोडों पे वो काम रह रहा है, मतलब वो हो रहा है। देखिए ये छोटा मोटा काम है, बाकी रोड चालू है। ये मानेसर के लिए चला गया, इधर से जा रहा है मानेसर के लिए, ये जा रहा मानेसर और ये मानेसर IMT से आ भी रहा है, ये अंडरपास निकल रहा है, ये देखिए ये अंडरपास, ये IMT मानेसर से आ रहा है अंडरपास, देख लीजिए। और फ्लाईओवर के ऊपर से भी रोड है, फ्लाईओवर के नीचे से भी रोड है, देख लीजिए फ्लाईओवर आगे जाके निकलेगा, ये देख लीजिए फ्लाईओवर और ये IMT मानेसर से आ रहा है एक अंडरपास। तो काफी अच्छा व्यू है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए रोड ऊपर से भी आया है और ये नीचे से जा रहा है, आगे जाके निकल जा रहा है रोड। और यहाँ पे आपको बड़े बड़े सर्विस रोड देखने को मिलेंगे। आगे जयपुर दिल्ली हाईवे आ जाएगा जो जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 8 आने वाला है, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा वेट करो, बस आने वाला है। ये देखिए फ्लाईओवर उधर से आया था घूम के ऊपर से और इधर जाके गया है। तो इसमें ये है फ्लाईओवर के ऊपर से भी आ सकते हो आप, फ्लाईओवर के नीचे से भी आ सकते हो, दोनों तरफ से रोड है, 16 लाइन का रोड है, बड़ा रोड है, काफ़ी छोटा मोटा रोड नहीं है, बड़ा रोड है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, नितिन गडकरी जी ने जो हमारे रोड मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रोड बना के। और हरियाणा सरकार साथ में सहयोग दिया, हरियाणा सरकार ने, मोदी जी काम अच्छा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत विकास कर रहा है। लोग बोलते हैं चोर है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े रोड मोदी जी के कार्यकाल में हो रहे हैं, बड़े बड़े रोड देखा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया मोदी जी ने, अब ये बना दिया द्वारका एक्सप्रेस वे, और भी बनाए होंगे और भी बनाएंगे आगे जब तक रहेंगे अपनी सत्ता पे। तो मोदी जी तो मोदी जी है भाई, उनकी माया अलग ही है मोदी जी की, देख लीजिए मोदी जी का कमाल है। टाइटल भी डालेंगे हम ये कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, ये टाइटल डालेंगे, क्योंकि कैब वगैरह सब जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बाइकें वगैरह कैब वगैरह सब चल रही हैं, ट्रक सब बाइक सब चल रही है। ये देख लीजिए आगे से राजीव चौक की तरफ जा रहा है सीधा सोना जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये देख लीजिए बोर्ड पढ़ लीजिए लाइव। अभी आगे से हम लेंगे लेफ्ट साइड में जयपुर दिल्ली हाईवे की तरफ और जो सीधा रोड चला जाएगा वो चला जाएगा जयपुर के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फरीदाबाद सोना। जयपुर के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये फ्लाईओवर है बस, ये फ्लाईओवर घूम के आएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो 4-5 किलोमीटर आगे आ जाएगा, बादशाहपुर रेड लाइट से चढ़ जाएगा जो राजीव चौक होते हुए आ रहा है, देख लीजिए सामने चला गया जयपुर दिल्ली हाईवे जाएगा, ये देख लीजिए राजीव चौक की तरफ जा रहे हैं जो जयपुर दिल्ली हाईवे आ जाएगा और वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चला गया, अभी सामने आ जाएगा जयपुर दिल्ली हाईवे नेशनल हाईवे 8, देखिए सामने आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा कैसा लगा, अच्छा लगा कैसा लगा तो कमेंट करके बताओ दोस्तों,
आपको रोड कैसा लगा कमेंट करो। और ये देखिए आ गया जयपुर दिल्ली हाईवे नेशनल हाईवे 8 ये आ गया। अब हम जाएंगे राजीव चौक की तरफ इधर सीधा और ये जयपुर के लिए चला गया इधर उधर से घूम के आ रहा है जयपुर के लिए फ्लाईओवर से। ये आ गया जयपुर दिल्ली हाईवे। तो चलो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को दबा दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को। तब तक ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं आगे का ब्लॉग आपको बाद में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम। ठीक है दोस्तों राम राम जय हिंद।